मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जीएमएम ने वोटिंग की जताई थी आशंका, एक दिन पहले ही लिखी थी प्रधानमंत्री को चिट्ठी। अपने मुख्यमंत्री की वोटिंग से तमतमाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का, किसी भी केंद्रीय मंत्री को झारखंड में घुसने नहीं देंगे। जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चेतावनी, कहा माफी मांगे बीजेपी। आज भी मोदी जी की जो अपनी जो चाहत है कि हम अधिनायक वर्ग स्थापित करेंगे इस देश में, इस जमहूरियत में, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी चुनौती, कहा आ जाए चुनाव मैदान में। मैं समझता हूं कि राजनीतिक लड़ाई अगर लड़नी है तो आया जाए चुनावी समय में। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, अंबिका सोनी ने कहा पीएम मोदी दे जवाब। अंबिका सोनी का बीजेपी पर आरोप, साजिश के तहत कराई जा रही है मुख्यमंत्रियों की बेइज्जती। लेकिन अगर हमने देखा कि हर फंक्शन में इस तरह की एक तरीके से मैं कह सकती हूँ गुंडागर्दी, एक तरीके से बदसलूक, नारे विपरीत नारे लगाना के ताकि मुख्यमंत्री अपने आप को कुछ शर्मिंदगी महसूस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नहीं जाएंगे नागपुर, ना ही मोदी के मंच पर जाएगा सरकार का कोई मंत्री। मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो घटनाएं घटी उसके चलते मैंने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में नहीं सहभागी होने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचे, कुछ देर में मेट्रो का करेंगे शिलान्यास। जवान के बचाव से उत्तरी सहयोगी दल एनसीपी, गृहमंत्री आरआर पाटिल ने कहा मुख्यमंत्री का नागपुर न जाने का फैसला सही। की वीर ऐतिहासिक भूमि पर अपने मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा कैथल जिले और हरियाणा प्रांत की तरक्की के इतिहास, मेरे गृह राज्य। जवान ने बताया था सोलापुर में उनके साथ हुई थी हूटिंग। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी भी पर भी दिखा कैथल का साइड इफेक्ट, कहा हुड्डा के साथ जो हुआ उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से करेगा परहेज। मंगलवार को कैथल में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री की हूटिंग, हुड्डा ने की मोदी के साथ मंच साझा करने पर तौबा। मोदी सरकार विधानसभा चुनावों से पहले दिखाना चाहती है विकास की झांकी, हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में उद्घाटन और शिलान्यास का दौर। बीजेपी के मिशन विधानसभा में जुटी मोदी और शाह की ब्रिगेड, कांग्रेस शासित राज्यों पर खास जोर। पदे से हटाए जाने के बाद एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर का बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से की भ्रष्टाचारियों को पनाह देने की शिकायत। संजीव चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजी चिट्ठी, बताया कि बीजेपी नेता के कहने पर उन्हें हटाया गया। संजीव चतुर्वेदी ने चिट्ठी में लिखा डॉक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में की थी कार्रवाई, इसलिए उसने बीजेपी नेता से कहकर हटवाया। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, पूछा क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार हटाएगी बीजेपी। संजीव चतुर्वेदी के वकील कुलदीप तिवारी का सरकार से पूछा दो महीने में ऐसा क्या हुआ जो चतुर्वेदी हो गए अयोग्य। चतुर्वेदी के वकील ने बताया कि पीएमओ की ओर से निर्देश थे कि उनकी नियुक्ति के बाबत कैबिनेट सचिव ही ले सकते हैं फैसला, फिर क्यों नहीं मान गया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी सफाई, कहा पद के योग्य नहीं थे संजीव चतुर्वेदी।
संजीव चतुर्वेदी यहाँ जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे उस पोस्ट पर काम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल के बगैर कोई भी उस पद पर काम नहीं कर सकता। हर्षवर्धन ने कहा नियुक्ति पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी नियमों के मुताबिक नहीं ली गई थी मंजूरी, रूटीन के तहत हटाया गया। हिमाचल के कई जिलों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5 थी भूकंप की तीव्रता। कांगड़ा था भूकंप का केंद्र, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 6 दिन में मांगा जवाब, 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। असम में आज 12 घंटे का बंद, असम गण परिषद, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन समेत राज्य की कई यूनियन ने आज किया है बंद का ऐलान। गोलाघाट के नुमालीगढ़ में नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन, असम पुलिस और मुख्यमंत्री गोगोई के खिलाफ नारे लगे।